One, two, go. Assalamualaikum guys, welcome to a new day. नए दिन की शुरुआत नाश्ते से होती है, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए. अत्यधिक शांत और सुडौल माहौल. मेरी हिंदी काफी खतरनाक, रोमांचक, अत्यधिक उत्तेजक धूप है. नाश्ता कुछ ही देर में हमारे सामने पेश होने वाला है. टेबल के अगल बगल लोग और बस नाश्ते का इंतजार. फाइनली हमारा अंडा और पराठा हमारे सामने आ चुका है. So complex with all that strange coded meanings behind the torch and the hands and the gestures and the phallus and the breast. There they are doing these symbols. You see, and this is another symbol. Even though it means okay, it's actually a demonic symbol that represents 666. ध्यान से देखिए इस पढ़ाकू लड़के को. चलते चलते पढ़ाई कर रहा है. It's like I'm gone to you. Perhaps you know how it feels. You guys are laughing a lot. So guys, we are about to gate crash a hostel room. Gate crashing is must if you are living in a hostel. We have reached the room. Are baap khazana. Dekho inhe ye hai. जलेबी बनाने की टेक्निक है दोस्तों. अगर किसी को भी कुछ आइडिया है कमेंट्स में बताएं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. इस वस्तु को इस्तेमाल करने का काला चिट्ठा दे दे कमेंट्स में. चोरी हमने कर ली है, मुर्दे की लाश हम लेकर जा रहे हैं. और यू कैन टेक केयर ऑफ इट बाय योरसेल्फ. वेयर इज द की फॉर सक्सेस. And now we are unlocking the door of hope. Together we are gonna enter inside this room of. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Guys, आज हम आपको तीन बर्रे आजमों की शेर कराएंगे. शेर बोलते हैं, शेर बोलते हैं, शेर बोलते हैं, शेर कराएंगे. जब भी मैं मार्कशीट लेता हूं तब मेरे साथ कोई ना कोई चोचला हो जाता है. मेरा नाम ही आधा काट दिया गया है. ये आप देख सकते हैं, इसमें मोहम्मद आकिब सिब है. नदीम तो गायब हो गया है, इसमें फुल है. अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन की तरफ. कहाँ जाना है साकिब? नॉर्थ प्रोवोस्ट ऑफिस. थोड़ा लोकेशन में चेंज हो गया. पहले हम MM हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, मगर अब जा रहे हैं नॉर्थ के प्रोवोस्ट ऑफिस में. वहाँ पे जाके कंप्लेन करेंगे. साकिब के रूम के बाहर की जो टोटी थी वो टूट चुकी है. वो किसने तोड़ा, कोई शक है तुम्हें? दया खुद से टूट गई टोटी, तो वो खुद से लग भी जाएगा. ये है नॉर्थ का प्रोवोस्ट ऑफिस है. दिखे यार, दिख ही नहीं रहा. जो लोग हॉस्टल के लिए पूछते हैं कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, ऐसे आके रोज यहाँ पे हाजिरी देनी पड़ेगी. सर हम जिंदा है, हम भूखे हैं, हमें हॉस्टल दीजिए. बहुत दिन से परेशान है. हॉस्टल मेरा तीसरा ईयर है, अभी तक मुझे हॉस्टल नहीं मिला. देखिए प्रोवोस्ट ऑफिस, यहाँ रोज आइएगा, हाजिरी लगाइएगा. सर हमें हॉस्टल चाहिए बस. दिस इज प्रोवोस्ट ऑफिस गाइस. हम लोग अंदर हैं, इतनी सारी यहाँ पे फाइलें हैं. टोटी के लिए PIL खारिज कर दिए हम लोग. खारिज नहीं, मतलब दाखिल कर दिए. टोटी के लिए हम लोग PIL दाखिल कर दिए. ये है हॉस्टल की जिंदगी, एक एक चीज के लिए PIL दाखिल करनी पड़ती है. तो गाइस, ये टोटी का कार्यक्रम बिना आपके सपोर्ट के पूरा नहीं हो सकता. इसके बारे में खुद हमारे संवाददाता मिस्टर साकिब हसन आपसे बात करेंगे. बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है. प्लीज आपका सपोर्ट इज इंडिस्पेंसिबल. प्लीज डोनेट फॉर दिस कॉज. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सॉरी, अच्छी इंग्लिश बोल गया. डिस्क्रिप्शन. ये आपके सामने है चौराहा. इधर से चार रोड निकलते हैं. एक जाता है सर सैयद हाउस की तरफ, दूसरा जाता है आर्ट्स फैकल्टी की तरफ, तीसरा जाता है किसके बाबे सैयद की तरफ, चौथा जाता है जिधर से हम लोग आ रहे हैं. अगर ऐसा डिपार्टमेंट हो, इतना खूबसूरत सा, तो कोई भी इंसान आके पढ़ना शुरू कर देगा. सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मोहसिनुल मुल्क. अरे मुल्क, हम पहुंच गए मोहसिनुल मुल्क हॉल के पास. ये रहा गेट सामने आपके. अब हम इसके अंदर जाएंगे. म्यूजिक.
Here we go. काम करके आएंगे, फिर खाना जाकर खाएंगे, फिर रात में सो जाएंगे। आओ। आग लगा दी, आग लगा दी। अंदर हमने प्रस्थान कर लिया है। आगे हम किस लिए आए यहाँ पे? मेरी मार्कशीट लेने। इसकी मार्कशीट लेने। तो ये प्रोवोस्ट ऑफिस वही है जहाँ पर आप जाएंगे हाजिरी देने जब आपको हॉस्टल चाहिए होगा। तो नॉर्थ में चाहिए SS नॉर्थ में, तो आपको SS नॉर्थ की हाजिरी देनी पड़ेगी। हाजिरी देना मस्ट है, वरना हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। सुबह उठिए, आइए हाजिरी दीजिए, नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा आराम करिए, फिर दोपहर हो फिर आइए हाजिरी दीजिए। सर हम जिंदा है, हमें हॉस्टल चाहिए। फिर रात होने वाली हो सोने से पहले, मगर हाजिरी देना ना भूलिएगा। मरने वाले अभी मरने से पहले भी हाजिरी दे दीजिएगा, क्या पता आपके बेटो ओटो को मिल जाए हॉस्टल। हमें तो नहीं मिला भैया 3 साल से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साफ सफाई कर रहे हैं, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम जैसे आम आदमी। गाइस इसे बोलते हैं प्रोवोस्ट ऑफिस, ये आपके सामने बोर्ड है, इसी के सामने आपको हाजिरी देनी होगी। खाना बनाने का कंपटीशन तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे। मार्कशीट मिलती है तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी उनके नाम कर दी अपनी, अब सारी जायदाद तुम्हारी उनके नाम है। सर हाउ डू यू फील सर आफ्टर रिसीविंग योर मार्कशीट, यू आर ग्रेजुएटेड फाइनली। जबान इल्यूमिनाटी। दूसरा किला भी फतेह हो चुका है, दूसरी मार्कशीट भी आ चुकी है। अब हम जाएंगे लाइब्रेरी की तरफ, अपने पड़ाव रखेंगे आगे। खैर अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर खरीदने, खरीदो फरोख्त करने। खरीदो फरोख्त किसको कहते हैं? अच्छा तो हम जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर की खरीदो फरोख्त करने, दुकानदार बेचेगा हम उसे खरीदेंगे। खरीदो खरीदो। गाइस अब हम तीसरी मंजिल की तरफ आ चुके हैं, अब हम जाएंगे इसके अंदर। प्लान काउंसिल, अंदर लिखा हुआ क्लोज। लाइब्रेरी तो बंद है मगर स्टाफ के लिए खुली हुई है, साफ साफ अल्फाजों में लिखा है क्लोज। पूरा हॉल खाली है दोस्तों, काफी ज्यादा सुकून है भैया जी। स्माइल। हमारे लाइब्रेरी का भी काम हो चुका, हमारे लाइब्रेरी का भी काम हो चुका है। विल यू प्लीज कीप क्वाइट, शुक्रिया। डस्टबिन उधर है वो। आओ नमाज का टाइम हो गया है, मिलते हैं नमाज के छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा ही बोलते हैं ना। आज मेरी हिंदी उर्दू दोनों की दोनों बर्बाद हो गया। आपको आज हमने 3 बर्र-ए-आज़म की, फिर से मेरी उर्दू बर्बाद। आज फाइनली मैंने आपको 3 बर्र-ए-आज़म की सैर करा दी है। अब 4th बर्र-ए-आज़म मतलब कि मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बोलना चाहोगे? नो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो ना। कुत्ता भी कुछ बोलेगा?